हेलो एवरीवन, मैं हूं तरुणा और मैं लाती हूं आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने अपना एक वीडियो अपलोड किया था, पूजा से रिलेटेड जो सामग्रियां होती हैं, जैसे रुई की बत्ती या कलश, दिया, इनको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं। आपने देखा है वो वीडियो? अगर नहीं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। आज के वीडियो में मैं ऐसे ही कुछ और वर्ड्स की इंग्लिश आपको बताने जा रही हूँ, जिनका यूज़ अक्सर हम पूजा के समय करते हैं या वो शब्द पूजा से संबंधित हैं। ज़रूरी नहीं कि आप उनका इस्तेमाल पूजा के समय करें, पर ये सभी वर्ड पूजा से, वर्शिप से रिलेटेड हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और जानते हैं कुछ ऐसे ही वर्ड्स जो रिलेटेड हैं पूजा से, वर्शिप से। पूजा में हम नारियल का यूज भी करते हैं, नारियल को कोकोनट कहा जाता है। गोबर का भी यूज किया जाता है, गोबर को हम इंग्लिश में काउ डंग बोलते हैं, और जो उपले होते हैं या कंडे होते हैं जिन्हें हम कंडा कहते हैं, उसे हम बोलते हैं डंग केक। उपलों को जलाया जाता है, तो जो राख पचती है या राख होती है उसे कहा जाता है ऐश, ASH, ऐश। मूर्ति को आइडल, IDOL, आइडल कहा जाता है, और देवी देवता इसकी इंग्लिश होती है टेटी, टेटी। भगवान को माला चढ़ाई जाती है, तो जो माला होती है उसे इंग्लिश में कहा जाता है गार्लेंड, और पुष्पांजलि भी दी जाती है सुबह सुबह। आपने ये वर्ड सुना होगा, पुष्पांजलि, सुबह सुबह हम भगवान को फूल अर्पित करते हैं, तो हिंदी में उसे पुष्पांजलि कहा जाता है। पुष्पांजलि को इंग्लिश में कहा जाता है रीत, WREATH, रीत। कभी मूर्ति खंडित हो जाती है, टूट जाती है, तो खंडित, इसके लिए जो इंग्लिश में वर्ड है वो है फ्रेगमेंटेड, फ्रेगमेंटेड। और आपने ये भी नोट किया होगा, जब दुर्गा पूजा होती है या गणेश चतुर्थी होती है, तो आखिरी दिन मूर्ति को विसर्जित किया जाता है, तो विसर्जन, इसकी इंग्लिश होती है इमर्जन। हमारे जो ग्रंथ होते हैं, जैसे गीता, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, इन सबको हम होली बुक्स कहते हैं। मैंने पहले भी बताया है होली, HOLY, होली दैट मीन्स पवित्र, पवित्र ग्रंथ, किताबें। मूव करते हैं कुछ और वर्ड्स की तरफ। प्रसाद, प्रसाद को, प्रसाद, प्रसाद को इंग्लिश में कहा जाता है ऑफरिंग, ऑफरिंग। जो पूजा करता है, पुजारी, उसे कहा जाता है प्रीस्ट। भक्त को डिवोटी कहा जाता है, और हम जो आस्था रखते हैं भगवान में, उस आस्था के लिए इंग्लिश में जो वर्ड है वो है फेथ, FAITH, फेथ, FAITH, फेथ। हम भगवान की प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना को इंग्लिश में कहा जाता है प्रेयर, और जो मंत्र होते हैं उन्हें हम कहते हैं चैंट, CHANT, चैंट। शूल को, जो भगवान शिव के पास या माँ दुर्गा के पास होता है, उसे हम कहते हैं ट्राइडेंट, TRIDENT, ट्राइडेंट। इसी तरह से गदा, जो हनुमान जी के पास होता है, उसे हम कहते हैं मेस, MACE, मेस। बांसुरी को इंग्लिश में कहा जाता है फ्लूट, FLUTE, फ्लूट, और ये भगवान कृष्ण के पास होता है। जो तीर्थ यात्रा होती है उसको हम कहते हैं पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज। और हम उपवास भी रखते हैं, व्रत रखते हैं, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं फास्ट। अब कुछ बहुत ही कॉमन वर्ड्स जान लेते हैं। मंदिर को टेंपल, गिरजाघर को चर्च, मस्जिद को मॉस्क, और गुरुद्वारा को इंग्लिश में गुरुद्वारा ही कहते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स जो रिलेटेड हैं वर्शिप से, पूजा से। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव भी होगा।
अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। साथ में अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन इमिडिएटली मिलेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ आऊँगी। टिल देन हैव अ नाइस डे। बाय बाय।